हेलो। हेलो हेलो। एम आई ऑडिबल और नॉट? हेलो हेलो। सो वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ मशीन्स को, कुछ ऑनलाइन हैकिंग मशीन्स को, जिनको हम हैक करेंगे एंड प्रैक्टिस करेंगे। आई डजंट मीन एनीथिंग बैड। आज हम एथिकल हैकिंग करने वाले हैं, एथिकल हैकिंग, ओके? और वो भी प्रैक्टिस हैकिंग, ना कि जो है कुछ और काइंड ऑफ। हमारे काली लिनक्स में करेंगे आज अपन ये काम, ओके? सो कहीं भी कोई दिक्कत हो या कुछ भी हो, मेरे को शो कर देना। मतलब कमेंट बॉक्स तो है ही चैट करने के लिए, चैट करते रहना। लाइव चैट पर मैंने कर रखा है इसको। कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी हो, एक्स्ट्रा वॉइसेस या फिर कुछ और अदर थिंग, सो यू कैन टेल टू मी हियर। और बाकी एक बार ये ऑन हो जाए, फिर उसके बाद हम चलते हैं फुल स्क्रीन मोड पे, चलेंगे फिर अपन। अभी हो सकता है ना इंटरेस्ट, पर बाद में भी हो सकता है इंटरेस्ट आ जाए, क्योंकि हम कभी कभी ऐसे काम भी कर देते हैं। सो लेट्स गो टू फुल स्क्रीन। सो वी आर इन काली लिनक्स। आई होप बहुत से लोगों को चली गई होगी नोटिफिकेशन। होप के अलावा कुछ है भी नहीं मेरे पास। चलो तो पहले मैं ओपन कर देता हूँ इंटरनेट ब्राउजर को। इंटरनेट ओपन कर लेते हैं पहले। रिस्टोर सेशन, हम पहले से ही ट्राई हैक में चला रहे थे। ट्राई हैक में पे रूम्स हैं कुछ, उनको सॉल्व करने वाले हैं अपन। कुछ में भी मैं एक दो ही सॉल्व करने वाला हूँ, ज़्यादा कोई सॉल्यूशन वॉल्यूशन अपन करेंगे नहीं। हाई फाई कुछ जाने नहीं वाले आज अपन। और हम सबसे सिंपल वाला करने वाले हैं, जो कि मैं पहले ही सॉल्व कर चुका हूँ, ताकि जो नए लोग देख रहे हैं उनके लिए भी इजी रहे समझना, और पुराने वाले जो पहले से करते हैं ये सब, उनके लिए तो खैर पहले से ही इजी होगा। उनको जो उनको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो पहले यहाँ से हम पढ़ लेते हैं इसको। सी सी स्टेगनोग्राफी नाम से है, और सी सी स्टेगनोग्राफी तो हम डाउनलोड टास्क फाइल कर लेंगे पहले। टास्क फाइल जिप फाइल है, जिप फाइल हो चुकी है डाउनलोड, ओपन करेंगे। ये हमारी जिप फाइल आ चुकी है। क्रिएट फोल्डर, ट्राई हैक मी 2222, इसको इसके अंदर डाल देंगे। अब अपन कर लेंगे एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट टू। जब मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ तो हमें ये कुछ चीज़ें मिलती हैं। सो ये हमसे करवाएगा अब कुछ चीज़ें। तो पहली ये चीज़ है, द स्टेगो, स्टेगो इज द आर्ट ऑफ कंसीलिंग समथिंग इनसाइड। ओके सो देखो, स्टेगनोग्राफी में के अंदर क्या होता है, हम कोई टेक्स्ट मैसेज या फाइल फाइल को हम किसी और चीज़ के अंदर छुपा लेते हैं, मतलब हाइड कर लेते हैं। लाइक फाइल के अंदर कोई फाइल हाइड कर दी, या फिर जो है किसी टेक्स्ट को हाइड करना है तो हम उसको भी हाइड कर सकते हैं। इन चीज़ों को अलाउ करता है स्टेगनोग्राफी। तो देखो, सबसे पहला हमारा टूल आता है स्टेग हाइड, जैसा नाम वैसा काम। तो स्टेगनोग्राफी के लिए स्टेग हाइड है सबसे पहला, -y। और मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है, और अगर किसी के पास नहीं है तो वो इंस्टॉल कर ले, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैं यहीं पर टर्मिनल खोल लेता हूँ, ओपन टर्मिनल हियर। सो देखो, सबसे पहला है, व्हाट आर्ग्यूमेंट अलाउज यू टू एम्बेड डेटा सच एज फाइल्स इन टू अदर फाइल्स। ये सारे जो बेसिक बेसिक आंसर्स हैं, आप लोग, आप सभी लोग यहाँ से देख सकते हो।
सिंपल कुछ नहीं करना, मैन स्टैग हाइड ये कमांड लिखनी है और पूरा मैनुअल खुल जाएगा स्टैग हाइड का। ओके सो हम इन सवालों को नहीं लिखेंगे यहाँ पे, मतलब नहीं यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, जो कि जो है पहले से ही गिवन है या फिर हम दे सकते हैं इजीली। तो देखो, गिवन पास फ्रेस पासवर्ड 123, व्हाट इज़ द हिडन मैसेज इंक्लूड जेपेग 15। अब ये वाली हम करेंगे क्योंकि इसके अंदर अपन इसको यूज़ करने वाले हैं, तो जेपेग 15 हमारी सबसे पहले वाली है। तो हम लिखेंगे स्टैग हाइड एक्सट्रैक्ट हाइफन SF JPEG 1। तो ये हमारे से पासवर्ड मांगेगा, हम पासवर्ड डाल देते हैं और इसने एक फाइल एक्सट्रैक्ट करके दे दी। देखो पासवर्ड इसने यहाँ पे दे रखा है, गिवन द पासवर्ड पासवर्ड 123। ओके तो टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है कि पासवर्ड कहाँ से आ गया हमारे पास। ls करेंगे, हमारे पास a.txt आ चुका है, तो cat a.txt पिंगू एफ टी डब्ल्यू नाम से वर्ड है एक, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, कॉपी पेस्ट, और पहला चीज़ कंप्लीट, बस इतना ही है, ख़त्म। दूसरा हम करेंगे जैम नाम का एक स्टोर है भाई, जैम इंस्टॉल जी स्टैग नाम से एक एप्पल वो पैकेज है, वो उसको डालेंगे। क्या कह रहा है, परमिशन चाहिए, परमिशन हो जाएगी भाई, परमिशन देने के लिए कोई बड़ी मेहनत नहीं लगती, सिंपल चीज़ के आगे सूडो लगा दो, पासवर्ड दे दो अपने लॉगिन का और ये कर देगा। जेम इंस्टॉल हो चुका है हमारा, बहुत सॉरी जी स्टैग इंस्टॉल हो चुका है, जेम तो सिर्फ एक स्टोर है। अब इसके लिए भी जो जो चीज़ें मिल सकती हैं उसको हम आंसर नहीं देंगे, बाकी तुम यहाँ से देख भी सकते हो, कोई वो नहीं है, बड़ी बात नहीं है। इन द इंक्लूडेड फाइल png1 व्हाट इज़ द हिडन मैसेज। सो देखो, हाउ डू यू एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम स्पेसिफिक पेलोड, हमारा हाइफन ई है, तो हम क्या करेंगे, ट्राई करते हैं पहले इसी के साथ png1। सो हमारा था जी स्टैग हाइफन ई png1 डॉट दैट व्हाटएवर। सो देखो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें भी मांगेगा भाई, देने की ज़रूरत नहीं है, जो कि ये सीधा सीधा भी काम कर देगा। आपको सिर्फ लिखना है जी स्टैग png1.png और यहाँ पे देखो टेक्स्ट आ गया नूट नूट डॉलर साइन, वही यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया और ये हो गया। व्हाट अबाउट द पेलोड्स यूज्ड टू एनक्रिप्टेड, तो देखो कौन से पेलोड्स इस्तेमाल हुए हैं इसको एनक्रिप्ट करने के लिए, तो एनक्रिप्ट करने के लिए हमारे ये पेलोड्स हैं और लिख दिया मैंने पेलोड्स, बस हो गया इतना ही है। सेकंड वाले पे चलो, अभी हम बिल्कुल इजी वाला कर रहा हूँ, मतलब कोई भी कर लेगा, वो चीज़ कर रहा हूँ, बाद में हम धीरे धीरे लेवल अप करेंगे। सो इन एक्सिफ टूल डाल लो, डाल सकते हो ऐसे sudo apt install exif tool, exif tool is a tool that allows you to view and edit image metadata, while this in itself is not a stego tool. जब stego tools fail हो जाते हैं तब हमारा exif tool काम में आता है। Okay, I would be remiss not to include at least a footnote on it as one of the most popular forms of image stego, blah blah blah. ओके तो एक्सेफ टूल हम इंस्टॉल कर लेंगे इसके दी हुई कमांड से। फिर हम यहाँ पे जेपेग 3 वाली पे एक्सपेरिमेंट करना है, तो हम जेपेग 3 वाली पे एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। हम लिखेंगे एक्सेफ टूल जेपेग नॉट 14 सिंपल, और इसके अंदर ये कहीं ना कहीं देखो पहले कि इसमें डायरेक्ट कुछ बता रहा है क्या, ये देखो डॉक्यूमेंट नेम, इसमें क्वेश्चन यही था व्हाट इज़ द डॉक्यूमेंट नेम, हेलो दोस्त। अब एक सबसे मज़ेदार वाला आता है जिसका नाम है स्टैगो वेरिटस, ये पाइथन का एक पैकेज है, गजब की बात यह है कि पाइथन के पैकेज है और उसी से काम हो जाएगा। देखो
Personally, this is one of my favorite image stego tool. It supports just above every image file and is able to extract all type of data from it. It is an incredibly useful tool if you don't know exactly what you are looking for, as it has myriad of build tests to extract any or all data. Features as well as color correcting images. So इसके बहुत सारे फीचर्स भी हैं और बहुत सारी चीज़ें वैसे करता है. सो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई, तो स्टेगो वेरिटस और इसके अंदर कौन सी है, इन द इंक्लूडेड इमेज फाइल जेपैक 2 व्हाट इज द हिडन मैसेज, जेपैक 2 में कौन सा हिडन मैसेज है, ये फाइंड आउट करने के लिए हम डायरेक्ट लिख देंगे और उसके बाद ये बता देगा हमको अगर कुछ हिडन मैसेज होगा तो. नहीं तो हम इसके जो है डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स देखेंगे जेपैक 2 का. जेपैक 2 पहले बता देता हूँ कौन सी, ये है जेपैक 2. ओके, रिजल्ट्स इसके अंदर जा रहे हैं सारे के सारे. देखो ये इनको डाल रहा है एक एक करके. तो इधर ये स्कैनिंग चल रही है अभी, कम्प्लीटली स्कैन करके रख देगा, छान के रख देगा इस पूरे के पूरे इमेज को अंदर से बाहर से कहीं से देख लो. सो हमारा क्वेश्चन था व्हाट इज़ द हिडन मैसेज. हिडन मैसेज हमको फाइंड आउट करना है. सो देखो भाई हिडन मैसेज मिला या नहीं मिला कोई, ब्ला 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 ब्ला. तो हम इसको रूट से चलाते हैं पहले, तो रूट से और चलाते हैं एक बारी वैसे चला दिया, एक बारी रूट से और चला लेते हैं, क्या पता कुछ रिजल्ट्स में चेंज आ जाए. क्योंकि जो है इसके अंदर देखो लिखा हुआ है फाइल परमिशंस RW read write RR, रीड किया बाकी को, उसको रीड राइट है बस. ये परमिशंस होती हैं, इनके लिए अलग से एक बना रखा है ट्राई हैक में ने रूम, तो हम चाहें तो वो भी सॉल्व कर सकते हैं. हाँ, कोई ज़्यादा चेंज नहीं आया आउटपुट में, मतलब कुछ भी नहीं आया खास सा. सो अब देखो फाउंड समथिंग विद, देखो अब यहाँ पे इसने क्या लिखा है, फाउंड समथिंग विद स्टेग हाइड, कुछ इसे स्टेग हाइड से मिला है. तो हम इसकी लोकेशन दे दी है इसने, तो मैं इसको कॉपी करूँगा, कॉपी द सिलेक्शन, कैट पेस्ट, हाँ देखा मैंने इस फाइल को कैट करा तो ये हमारा निकल गया सेकंड मैसेज सिंपल. और एक आता है हमारा स्पेक्ट्रोग्राम, वो सबसे इजी होता है स्पेक्ट्रोग्राम का, कुछ नहीं है, सोनिक विजुअलाइजर नाम से एक एप्लीकेशन है, उसको तुम डाल लो फिर सारे काम आसान हो जाएंगे. मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ सोनिक विजुअलाइजर कैसा दिखता है, क्या है क्या नहीं है, मैं दिखा देता हूँ. ये हमारा एम्प्टी सा ऐसा था दिखता है. इसके अंदर हमें जैसे कि वेव वन वाला निकालना हो मान लो, तो वेव वन वाले को डायरेक्ट पुट करेंगे. और अगर जब मैं चलाऊँगा इसको, कुछ भी पर्टिकुलर नॉइस नहीं है, बस एक ऐसे ही कुछ भी डाल दिया है. ओके, और भले ही मैं इसको एक्सटेंड कर लूँ, वी कैन नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ टेक्स्ट इन इट, बट जब मैं एकदम से कह देता हूँ ऐड स्पेक्ट्रोग्राम, हमको सबसे पहले टेक्स्ट मिलता है ए. तो हमें काम दिया गया है व्हाट इज़ द हिडन टेक्स्ट इन द इंक्लूडेड वेव टू फाइल. तो वेव टू फाइल में कौन सा टेक्स्ट इंक्लूडेड है अपने को ये फाइंड आउट करना है. तो हम यहाँ पर डाल देंगे, स्पेक्ट्रोग्राम पहले से ही था, तो ये रहा हमारा टेक्स्ट गूगल. और अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो हमें कुछ भी खास नहीं मिलेगा. अगर मैं इसको प्ले करूँ तो कुछ खास मिलेगा नहीं, पर हमारा ये मिल गया सेकंड टेक्स्ट, इसको करें क्विट. इतना ही था ये, और फाइनल एग्ज़ाम हमारा आ चुका है. अब अपन रियल मशीन पे काम करने वाले हैं.
आईपी एड्रेस हमारा ये है, तो स्लैश होम काली डाउनलोड्स ओपन वीपीएन क्रेमिशंस डैम डॉट ओ वी, मेरे को पता क्या हुआ, सूडो चाहिए भाई, सुपर यूजर चाहिए होता है इसको। एक मिनट, और सो आई थिंक आगे इसमें पता भी चल जाएगा मेरे को, दो मिनट में ही। अभी एक्चुअली जो है मेरे पास दो हैं, एक तो वो लैब का अलग से है और ये वाला अलग से है, मतलब चलो हम हैं, मतलब ठीक है यही वाला है, मैंने सही वाली फाइल को ओपन करा है। सो हमारे पास आईपी एड्रेस आ चुका है, आईपी एड्रेस को हम पहले ओपन करेंगे, और सबसे पहला काम यही होता है कि इसको पहले हम लिंक चेक करते हैं कि क्या ये लिंक ही है। तो ये लिंक ही है, तो हम क्या करने वाले हैं, इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्ट करके इसके ऊपर टैप इमेज के ऊपर, और फिर इमेज की लिंक एड्रेस को कॉपी कर लेंगे। प्लस में हम क्या करने वाले हैं, पहले हम इस प्लस में इसके अंदर अपन टर्मिनल खोल लेंगे। इसके अंदर अपन टर्मिनल खोल लेंगे और टर्मिनल खोल के एक कमांड देंगे wget, wget के अंदर हम लिंक दे देंगे और डायरेक्ट हमारे पास ये आ जाएगी फाइल। फाइल आते के साथ ही हम करेंगे ls, ls में हमारी फाइल का नाम है exam.jpg, exam.jpg है हमारी फाइल का नाम। तो पहले हम डालेंगे stack hide extract extract sf exam.jpg। तो इतना तो हमें पता चल गया कि ये एक पासवर्ड मांगेगा, और पासवर्ड इसके अंदर कहीं दे रखा होगा या तो इसने या फिर होगा ही नहीं, इतना मेरे को पता है, ये दो ही बातें करेगा, या तो होगा ही नहीं या फिर जो देगा, निकाल लेंगे कोई नहीं। सो यहाँ से तो इसे हटाओ, हम स्टैक हाइड का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, हमने अभी डाउनलोड करा है। अभी अपन इसका स्कैन करेंगे स्टैगो से तो होगा नहीं। सो स्टैक की जगह पहले अपन करते हैं एक्सेफ टूल से, हाँ एक्सेफ टूल से कर लेते हैं, एक्सेफ टूल स्कैन करेंगे, क्या निकला, पासवर्ड निकला एडमिन। अब हमारा पासवर्ड एडमिन निकला है तो हम जो है डाल देंगे इधर, ट्राई करेंगे, नहीं हुआ पासवर्ड एडमिन इधर नहीं चलेगा, दैट मीन्स हमारा वो स्टैग हाइड वाले में चलेगा। एडमिन, रुको, इसका हम पासवर्ड डाल लेते हैं al.txt में, इसका क्या था admin, पहले से ही एक एक्चुअली एग्जिस्ट करती है इसलिए इसका हम रीनेम कर देते हैं, A3 डाल देते हैं इसका नाम, ओके admin हो गया। अब देखो a.txt को मैंने कुछ नहीं करा, बस एक एडिटर में खोला और हमें पासवर्ड मिल गया। सो वी आर गोइंग टू पेस्ट इट हियर एंड सबमिट, हमको मिल गया एक्सेस आगे के लिए। अब एग्ज़ाम डॉट एग्ज़ाम टू डॉट वेव मिली है तो इस पर क्लिक करेंगे हम, कॉपी द लिंक एड्रेस, ओके तो डब्ल्यू गेट, और ये डाल लेगा फटाक देसी, ये देखो डाल रहे हैं एग्ज़ाम टू डॉट वेव, डाउनलोड कर रहा है, हो गया। सो डाउनलोड हमारा हो चुका है, एग्ज़ाम वेव कहाँ गया, ये रहा एग्ज़ाम वेव है, इसको कुछ नहीं करना, अपन इसको खोल लेंगे
सोनिक विजुअलाइजर में खोल लेंगे अपन इसको, और अगर मैं इसको रन करता हूँ तो कोई पर्टिकुलर साउंड नहीं आएगा। देखो मैं दोबारा, सो हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं, स्पेक्ट्रोग्राम को ऐड कर देंगे। स्पेक्ट्रोग्राम ऐड करते ही हमारे पास एक लिंक आ जाती है imguru.com/ktrtni5 है, ये ni5 है सर। तो मैं क्या करूँगा, बिना टाइम वेस्ट करते हुए https imguru.com/imguru.com/ktrtni5 डब्लूगेट करूँगा, ट्राई करूँगा अगर आ सके तो, नहीं आई पहली बार में। imguru.com हम क्या करेंगे, पहले इसको खोल के देखते हैं, कंट्रोल शिफ्ट सी, नहीं हो सकता है गलती हो, इट कुड बी पॉसिबल। KTRTNI5 सो चलो इतना तो पॉसिबल, इतना तो हो गया कि ये गलत तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसकी इमेज की जो है ना, व्यू इमेज कर, इसका हम कॉपी कर लेते हैं लिंक एड्रेस, और हम इसको इरेज करके एक बारी अब करते हैं, अब शायद हो जाए, अब हो गया। क्या नाम है फाइल का, KTRTNI5, ये रही KTRTNI5.png। अब इसके अंदर अपन सर्च करेंगे स्टेगो वेरिटास को चलाएंगे हम, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग वो ज़्यादा बेटर है, टू द पॉइंट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अब इसके अंदर आराम से देखो, शांति से देखो, कुछ मिलता है नहीं मिलता है। एक बारी वैसे चला लिया, अब एक बारी सूडो करके चला लेते हैं, गारंटी नहीं होती पर पॉसिबिलिटी होती है कि शायद शायद कुछ निकल जाए, 0.1% भी अगर चांस है कुछ निकलने का तो हो ही जाए तो बेहतर, क्योंकि इसके देखो एक ये इसके अंदर है सुपर सीक्रेट शहर टू एग्जाम टू वेव। अच्छा एग्जाम टू वेव से तो हमें वो मिल गया, उससे वो मिल गया, यहाँ पे आ गए ना अपन, अपने को अब इसको बस स्कैन करना है, जी स्टैग को मैं एक्चुअली जी स्टैक शायद डाला नहीं, कोई बात नहीं, ये जेम को इसको करेंगे कॉपी, यहाँ कर लेंगे पेस्ट, इसको कर देंगे रन, सुडो तो सुडो सु स्टैग, एज आई सेड कुछ चीज़ें बिना सुडो कमांड के नहीं चलती हैं। अभी क्या थी कमांड, हाँ KT वो हो। सो जी स्टैक चलाते ही हमको क्या पता चलता है,
कि अगर पेलोड देखूं B1 BGR LSB XY के अंदर हमको एक टेक्स्ट निकला है जो कि है स्लैश आर की फैटालिटी। फैटालिटी को ट्राई करते हैं हम। फैटालिटी में क्या स्पेलिंग है? FATALITY। सो हम ट्राई करेंगे FATALITY फैटालिटी। ऑल दो यू हैव मेड इट दिस फार, यू हैव डन क्वाइट वेल। आई थिंक आई एम जस्ट गोना गिव यू दिस फ्लैग, जस्ट स्कैन द QR कोड। सो हम इंस्पेक्ट करेंगे, कॉपी द लिंक एड्रेस एज ऑलवेज, और हम पहले तो मैं यहाँ से एग्जिट कर देता हूँ ताकि हमारी जो है हमको जरूरत ना पड़े, हमें ज़रूरत नहीं है इतनी खास इसकी। LS आ गया होगा QR कोड, QR code.png आ चुका है। सो सूडो स्टैगो वेरिटास नाम से है ये, और QR कोड को हम करने वाले हैं, इसके अंदर कुछ नहीं निकलेगा खास मेरे को नहीं लगता। अगर मैं ध्यान से देखूं तो कुछ खास है नहीं इसमें। अच्छा देखो, उसमें ये भी कहा था उसने स्कैन द QR कोड, तो स्कैन द QR कोड रिजल्ट्स के अंदर जाएंगे हम, पर रिजल्ट्स के अंदर हमें QR कोड मिल ही जाएगा किसी ना किसी फॉर्म में। ये रहा, ऑनलाइन मैं सर्च करता हूँ QR कोड स्कैनर, QR कोड स्कैनर, QR कोड नॉर्मली ऐसे ही दिखता है तो हम इसी को इस्तेमाल करेंगे एज अ QR कोड। ये कंप्लीट होने वाला है और कुछ नहीं। डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड, ट्रैक में 222 स्पेक्ट के अंदर, रिजल्ट्स के अंदर कहाँ गया वो QR कोड? पकड़ो 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 पकड़ो, ये शायद यही है। ये देखो हमारे पास आ गया स्कैन करने के करते के साथ ही। किल शॉट हमारा पासवर्ड है, किल शॉट। यहाँ पे आ गया हैप्पी नूट डे, हैव अ नाइस नूट, और हमने इस कंप्लीट कर लिया ये वाला रूम चौड़े में, मतलब अच्छे तरीके से, मतलब मज़ा आ गया। कैसा लगा आप लोगों को ये रूम मेरे को जो है कमेंट सेक्शन में बताना, वैसे भी कमेंट सेक्शन में देख नहीं पा रहा हूँ ढंग से। एक मिनट बस। और यार जो कोई भी नया है सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करे बगैर जाना अच्छी नहीं, अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मतलब मैं सपोर्ट नहीं करता इस चीज़ को। और हम मिलेंगे एक और नए नवेले रूम में, रूम के साथ, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग रूम के साथ। बेसिक कॉन्टेक्स्ट ही है मेरा। चलो अब ट्राई करते हैं वो वाले जो मेरे से सॉल्व नहीं हो पाए थे, और कमेंट करके बताओ मेरे को कैसा लग रहा है। बिकॉज वी आर हियर फॉर दैट। सिंपल CTF नाम से ये है, इसको और करके देखते हैं, ट्राई करके देखेंगे, ट्राई करते हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। आई एम ऑल्सो लर्निंग न्यू थिंग्स ऑफकोर्स। सुडो ओपन VPN, OMEA होम डाउनलोड। अरे
काली डाउनलोड्स क्रेमेशन डा मूवी भी है। सो मेरा अभी हो रहा है, इतने सिंपल सिटी ये वाला भी हो रहा है लोड और ये भी लोड हो ही रहा है। इसका हम सॉल्व करने वाले हैं आज की आज अभी के अभी। सबसे पहला तो एक ये बचा हुआ, व्हाट इज द सीवीई यू आर यूजिंग अगेंस्ट दिस एप्लीकेशन द एप्लीकेशन। ओके सबसे पहले तो ये खोलो, ये सीवीई हैपी नोट ये सब हटाओ। अब ये हो चुका जितना होना था। कॉमन कॉमन वल्नरेबिलिटीज एंड एक्सपोजर्स, यूट्यूब वल्नरेबिलिटी इनटू सर्च क्या है। ठीक है पहले मैं देखूंगा क्या क्या है सिस्टम। न्यू टैब, तो सबसे पहले ऑफ कोर्स एक हैकर यही करता है, पहले जो है आपके पहले किसी भी चीज़ के बारे में, नॉट पर्सनली किसी को, पर पहले किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट टास्क वी आर गोइंग टू डू। सो पहले मैं एक DIR बना लेता हूँ, डायरेक्टरी बना लेता हूँ, जिसका नाम होगा EZCTF। ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ये एक्चुअली सूडो को मैंने ही कर रखा है, ये सिर्फ सूडो कमांड के बारे में, सुपर यूज़र ही चाहिए आपको डायरेक्टली बनाने के लिए, डायरेक्टरी बनाने के लिए। सो हम पहले करते हैं, देखते हैं वो बनी कि नहीं। बन गई EZCTF। फिर सूडो MKDIR NMAP नाम से बनाऊंगा मैं। फिर CD NMAP के अंदर चलेंगे अपन, और फिर उसके बाद हम एक कमांड देने वाले हैं, एक बहुत बड़ी सी कमांड जो कि दिखने में बड़ी है, एक्चुअली बड़ी भी नहीं है। IP एड्रेस हमको मिला है 174-A SCST SV ही डाल देते हैं। आई थिंक ये क्या हो गया, दिक्कत क्या हो रही है। अच्छा सूडो सूडो कमांड भूल रहा हूँ मैं एक्चुअली। अभी कुछ और एरर मत दिखा भाई। सर कमेंट करके बताओ मेरे को कैसा लग रहा है। So we are here। हमारे अभी स्कैनिंग चल रही है, ज़्यादा कुछ खास हम कर नहीं रहे हैं। यहाँ पे एक लिंक, यहाँ पे मतलब IP एड्रेस को पहले हम यहाँ पे डालेंगे। लिखा हुआ है इट वर्क्स फलाना ढिमकाना, कुछ छोटी मोटी चीज़ें पहले मैं इंस्पेक्ट करके देख लेता हूँ, क्या पता कुछ ढंग का शायद मिल जाए। सो यहाँ पे देखो लिखा होगा launchpad.net/bugs/this, और क्या क्या है यहाँ पे। सो अकॉर्डिंग टू ऑफकोर्स अब वेबसाइट, एक वेबसाइट के हिसाब से इस पर चीज़ें ऑफकोर्स बहुत सारी होंगी, तो इन सबको तो हम ऐसे नहीं देखने वाले। खैर उसका क्या हुआ, ये यहाँ पे स्कैन कंप्लीट भी हो गया। ले स्कैन कंप्लीट हो गया भैया। देखो 21 पोर्ट पे कह रहा है एनोनिमस FTP लॉगिन अलाउड है। सो हम पहले तो यही करने वाले हैं, हाँ सुडो FTP 10.10 डॉट आगे क्या है 180.174 है भी अलाउ, ANONIMOUS
सो लॉग इन सक्सेसफुल। यहाँ पे हमको कोई फाइल नहीं मिली हुई, बस हम जरा देखें कौन सी डायरेक्टरी में घुसाने को इसने कहा है। हम एक्चुअली इसके अंदर हैं, ठीक है भाई, ठीक है। तो एच ओ एम ई शायद हो, कोई बात नहीं। हम लिस्ट करेंगे फिर से, एल एस कमांड देंगे, एल एस। क्या हुआ इसको? आई थिंक कनेक्शन ब्रेक हो गया। हाँ, वो कनेक्शन ब्रेक हो गया। FTP 10.10.180.174। रुको 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 रुको, FTP 180.174, एम आई करेक्ट? यस करेक्ट। ट्राई करो ट्राई करो, ट्राई करते रहेंगे हम। ओके, सुडो कमांड डालने से अलग जो है दे रहा है, ये आउटपुट है। कह रहे अब कनेक्शन टाइम आउट, एलएस पे कुछ नहीं, एग्जिट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। सो कांट गेट डायरेक्टली लिस्टिंग टाइम आउट, एफटीपी स्टार्ट। एचटीटीपी टू डिसअलाउड एंट्रीज हैं, पोर्ट 80 पे भी। SSH वाला चल रहा है, सर्वर अलग से मजे मार रहा है ये तो। लिनक्स का कर्नल है, इतना पता चला। स्कैनिंग से बहुत कुछ पता चल गया फिर भी। सो हम एक और स्कैन करेंगे सर्च एक्सप्लॉइट नाम से। तो हमारा सर्च एक्सप्लॉइट सर्च कर सकता है शायद कुछ। व्हाट काइंड ऑफ वल्नरेबिलिटी इज द एप्लीकेशन? पहले एप्लीकेशन का ढंग से पता तो चले प्रॉब्लम। NVT फुल लिस्टिंग मैंने यहाँ खोल रखी है, तो मुश्किल है कहाँ पे? पहले तो ये देखो कि मुश्किल है कहाँ पे। एक है ये ओपन MR करके है शायद, अभी पता चलेगा। ओपन ई एम आर। सो ओपन ई एम आर नाम से है ये सॉफ्टवेयर, है ये एक सॉफ्टवेयर। और क्या करता है? फुली ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर और सोर्स इलेक्ट्रॉनिक ब्ला। सो हम सर्च एक्सप्लॉइट करने वाले हैं, सर्च एक्सप्लॉइट ओपन ई एम आर पे। सो ओपन ई एम आर के बहुत सारे सर्चेज आ चुके हैं, ठीक है। इसमें वर्जन भी लिखा हुआ था, कौन सा वर्जन था अपना वर्जन, और पता चल जाए तो ईजी हो जाएगा। ओपन ई एम आर कहाँ गया? वर्जन 5013 के भी तीन हैं, चार हैं सॉरी।
पहला सवाल क्या है? ओपन सी भी है, एम ई जो भी है, कॉपी पेस्ट, इज इट? कई बार टेक्स्ट में लेता है जो चाहिए अपने को, कॉपी। और ये सही हो गया, दैट मीन्स हमारा सही है, कोई बात नहीं। ये इनकरेक्ट है, कोई नहीं। वैसे भी हमको रुको, वैसे एफ टी पी सर्वर पे हमें वो मिली है, तो वी शुड फोकस ऑन FTP सर्वर्स। तो FTP सर्वर सेटर्स और ब्ला 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 है, तो हमारा एक ये मिली है VSFTPD 3.0.3। इसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं, और अगर मैं VS हटा दूँ फिर रीन करता है। एक FTPD मिला तो है, ये क्या है FTPD? वट इज FTPD? अरे तो और क्या है इसमें? तभी मैंने कहा था मैं ट्राई करूँगा, ना कि जो ये कहा था कंफर्म है। मुझे तो ये समझ आ रही है भाई, ओपन EMR, और इसके कहीं ना कहीं शायद कुछ मिल गया। पर ये इनकरेक्ट है, ओपन EMR। व्हाट्स द CEV? CVE पूछा है खैर, CVE। अच्छा CVE, तो हमारी ये एप्लीकेशन दोनों का ही निकालो ना। ओपन EMR वाली कहाँ पे है? 531 वाली कौन से ईयर में निकली थी? जब देखो कहाँ गया 513 ओपन EMR, सर्च नहीं कर सकता क्या? अरे सर्च करने को दे दो भाई ऑप्शन। मेरे में वैसे डला हुआ है क्या EMR? डालना पड़ेगा। वल्नरेबिलिटीज ब्ला 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 ब्ला। डिस्कशन में चलो क्या कह रहे हैं डिस्कशन वाले। अच्छा डिस्कशन सीधा डिस्कॉर्ड पे। यूजिंग अगेंस्ट द एप्लीकेशन, पहले व्हाट इज रनिंग ऑन द हायर पोर्ट? SSH पे है, SSH ही है। SSH पे क्या फोकस है? RSA की robot.txt अलाउड है इसमें, BOT robots.txt। क्योंकि समझ नहीं आ रहा मेरे को, तो मेरे को नहीं आ रहा भाई। रोबोट्स नहीं चला, रोबोट चल जाए और कुछ नहीं तो बॉट ही चल जाए, रोबोट नहीं तो बॉट ही चल जाए। और सेम मैं चलता हूँ VSFTPD पे, VSFTPD 3.0.3। Thank you.
प्रोडक्ट्स के अंदर सीपीई सर्च वीएसएफ टीपीडी नहीं शो कर रहा, दैट मीन्स है ही नहीं तो शो क्या करेगा। लॉगिन तो नहीं है हम स्लैश लॉगिन लॉगिन पेज भी नहीं है। ओ इसमें है हमारा वर्जन क्या था जो मैं अभी कर रहा हूँ इस पर काम 3.0 करके कुछ है ना 3.0 रुको मिल जाएगा ढूंढूंगा तो इससे अगला ही होगा 3.0.3 है हमारा मिल जाएगा कहने का मतलब मिल जाएगा। देखो वीएसएफ टीपीडी है स्टार्ट है ठीक है हाँ इनकरेक्ट है तो बोलने का ना अच्छा यहाँ पे आया हम ये रहा 3.0.3 इसको ओपन करो व्यू सीवीई पहले हम करेंगे एफटीपी वाले को ठीक है फिर हम करेंगे ओपन ईएमआर वाले को दोनों को स्कैन करके दोनों को ट्राई करेंगे क्या हुआ पीछे चल पीछे चल जो कोई भी है सब्सक्राइब जरूर करो क्योंकि जब भी तुम सब्सक्राइब करोगे यहाँ पे जो तुम्हारा नाम लिखा आएगा ऑन स्क्रीन इवन तुम ऐसे भी कर सकते हो कि तुम सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब करके फिर सब्सक्राइब कर रहे हो चल 3.0 कहाँ है अच्छा ये हो सकती है हो सकती है कंट्रोल शिफ्ट सी अरे कंट्रोल सी तो है नहीं इधर भी इसने कुछ खास दिया नहीं व्यू द वल्नरेबिलिटीज
कोई वल्नरेबिलिटी शो करने को साइट भी हो सकती है ना मेरी बात में एक तो ये नहीं समझ आ रहा ढंग की एप्लीकेशन कौन सी इस्तेमाल कर रहा है प्रभु ये दो जो दोस्त दोनों तो कर ली ईएमआर वाली पे कौन सा वर्जन वो भी 3 पॉइंट कुछ कर गया ना कौन सा वर्जन है वर्जन है 5013 दिखा दे ONYMOUS anonymous by using binary mode to transfer files कोई नहीं FTP get FTP fail to open सुब्रतो मंडल वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग द लाइव स्ट्रीम एटलीस्ट किसी ने तो ज्वाइन करी कम से कम प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी हमारे पास ये है आहा थैंक यू थैंक्स अ लॉट अमीन अकनतल मन इट मींस अ लॉट लाइए इसे पिन कर देते हैं पिन कर सकते हैं क्या लाइव चैट चलते हैं और इसको पिन कर देते हैं सबसे पहले मैसेज को पिन करा जाएगा कहाँ गया ये रहा पिन द मैसेज अब मैसेज पिन हो गया है अभी इतने लाइव स्ट्रीम चलेगी अब वो वहीं चिपका रहेगा कहीं नहीं जाने वाला है आई गेस CWDB है CWDB ट्राई आई CWDB सो यार CTF वाली में इजी CTF वाली सॉल्विंग में जय माता दी जय श्री राम जय बजरंग बली एक मिनट मतलब हम यही हैं ओके हम एक्चुअली देखने वाले हैं फिर से ध्यान से एनालाइज करेंगे एनालिसिस वी आर गोइंग टू डू इट एनालिसिस डू एनालिसिस ऑन इट हमारे पास सर्वर भी बहुत सारे हैं एक्चुअली तो हम एक बारी फिर से ट्राई करते हैं robots.txt रुको अरे बाप रे बाप मेरे से गलती हो गई तेरे कितने क्वेश्चन हो गए वी शुड नॉट टॉक अबाउट असाइनमेंट्स हियर वेल आई डिड नथिंग इन असाइनमेंट्स एक्चुअली नथिंग ओपन ई एम आर की हम निकालेंगे CVE कौन सी इस्तेमाल करने वाले हैं इसलिए ओपन ई एम आर
सो ओपन ई एम आर और हमारा वर्जन होगा 5.0.1.3। ये रही हमारी पहली तो सी वी ई निकली है कुछ, तो हम पहले इसको कॉपी पेस्ट करके देखते हैं क्या ये अलाउड करेगा। इनकरेक्ट है भाई, 1.3 में और क्या भाई, CRSF है, CSRF, सॉरी CRSF था, ये CSRF है। बहुत बढ़िया बेटे। सो लेट्स ट्राई समथिंग एल्स, क्योंकि ये वर्क नहीं कर रहा है। आहा, हमारा और कोई इन्फॉर्मेशन है क्या इधर? बहुत कम इन्फॉर्मेशन दी इसने। पर लर्न मोर एट नेशनल वल्नरेबिलिटी डेटाबेस NVDA, लेट्स सी क्या शो करता है। और बाकी हमारा ये निकला है ओपन EMR में कमी निकली है भैया, देखो हमारा ये निकला है, ये हमारा वो है टाइम, वो चीज़ है जिसमें निकली है कमी। कमी मतलब बैकडोर कह सकते हैं हम। ओके सो देखो 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 क्या क्या है, क्या क्या है। कह रहा है a.php फाइल अलाउ कर देता है ये, कुछ तो कह रहा है। डेमोन्स्ट्रेटेड बाय यूज ऑफ इंटरफेस स्लैश सुपर स्लैश मैनेज साइट डॉट पी एच पी टू अपलोड a.php फाइल। और क्या क्या है अभी अपने को एक बेसिक से सवाल का जवाब नहीं निकल रहा कि इसकी CVE होगी क्या। पहले अपने को CVE निकालनी है इसकी, तो उसके बाद बाकी चीज़ें देख पाएंगे अपन कि आगे करना क्या है। हाँ करना क्या है। ओके सो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू इन दिस। एक चीज और मैं मिस कर गया गलती से, एक चीज हम और मिस कर गए, हमने गो बस्टर स्कैन किया नहीं, ये मेरी गलती है। MKDIR गो बस्टर, तो हमारा गो बस्टर इसको हम डाल देंगे इसके अंदर। हमारी लिंक 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 लिंक, जस्ट फोकस ऑन द लिंक। 180 डॉट, अब ज़्यादा टाइम और चलाएंगे नहीं हम इसको, कुछ ही देर में अब बंद भी करने वाले हैं। हरिओम, हाँ सुब्रत मंडल भाई साहब, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, आज जो काम नहीं हो पाए वो नहीं हो पाए, जो हो गए आज हो रहे हैं, ठीक है। सो वी विल टॉक लेटर अबाउट दैट, आई डो नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस ऑन लाइव। ओके लाइव में मैं नहीं चाहता इस बारे में बात करना, लाइव में हम अपने मतलब की बात रखेंगे बस। लिंक शेयर करो, अपने स्टेटस पे लगा लो लिंक को, कहीं तो कर लो शेयर। और दो की जो वॉचिंग आ रही है वो भी धन्यवाद, एटलीस्ट दो लोग तो देख रहे हैं, कोई तो दो लोग हैं जो देख रहे हैं और कोई तो दो लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं। आई होप बुरा ना माना हो सुब्रतो मंडल, सुब्रतो सुब्रतो ने भाई बुरा अपना माना हो अच्छा ही रहेगा। क्योंकि मान के भी अभी कोई फायदा नहीं। ओके कोई नहीं भाई, हाँ वो तो कोई नहीं भाई, कोई नहीं ही है अब, कोई नहीं है। तो देखो अब ये तो टाइम ले रहा है स्कैनिंग में भी, मैं अपने तुक्के मारने वाला हूँ, तुक्के बिठाऊंगा कतई गंदे वाले। देखो एंड ऑफ आईडी ला ला ला, देखो कुछ तो है, 2003
एक मिनट, समथिंग इज मिसिंग। सिंपल नाम से भी कभी कभी चल जाता है, तो क्या सिंपल नाम से भी हो सकता है इसको? लेट्स सी। सिंपल डॉट पी एच पी चल जाए कुछ तो पहले। तो देखो भाई इधर तो ज्यादा कुछ नहीं बता रखा है, गोबस्टर के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। निकला क्या इसमें? रुको, एक तरीका और है इसको देखने का, हम वो तरीका भी ऐड कर देते हैं। हाँ मैं भूल गया था एक्चुअली। ये देखो थोड़ा बहुत इसने करा, थोड़ा बहुत करा। प्रोग्रेस हो रही है। index.html पे तो पहुंचे एटलीस्ट। तो हम लिखते हैं index.html। तो index.html तो हमको फर्स्ट डिफॉल्ट पेज पे ही ले आएगा, एज लिखा हुआ है जैसे कि नाम index.html। तो देखो बाय hyphen x txt html और php, ये जो कमांड मैंने ऐड करी है, इस कमांड को ऐड करने का मीनिंग ये था कि सिर्फ वही आउटपुट देगा जो मेरे को चाहिए। लाइक मुझे सिर्फ यही आउटपुट चाहिए, txt में हो, html में हो पेज, या फिर php में हो। एरर्स से हमको लेना देना उतना नहीं है, मतलब लेना देना है पर उतना नहीं है। ओके सो हम वही चीज़ करेंगे और इसके टास्क भी डिफाइन कर देंगे। हम करेंगे -t = 200, तो 200 वर्ड्स पर सेकंड इस्तेमाल करेगा ब्रुम 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 करके। ये देखा मैंने बोला था ना 200 वर्ड्स, मस्त मज़े में करने वाला है ये इस्तेमाल। जॉन जॉन से चलेंगे वो ये दिखा देगा, जॉन जॉन से नहीं चलेंगे वो ये नहीं दिखाएगा। ये एरर दिखाता है ना, गंदा दिखाता है, ये एरर नहीं दिखाना चाहिए, अब तो नहीं दिखाना चाहिए कम से कम। अब तो एरर नहीं दिखा कम से कम चल ले तो वो भी नहीं चल रहा। देखो इसने एक तो ये निकाल दी /robot.txt। ओके फटाफट स्कैन तो डाल रही है। हे राम इतने सारे एरर से ज़्यादा है काम कम है। ये तो एरर ज़्यादा हो गए। वर्ड्स इसने बहुत सारे इस्तेमाल कर दिए। चलाता हूँ फिर इसको बंद करके, जो मेरे को डाउट है फिर मैं वो ट्राई करूँगा। पहले तो एक मेरे को डाउट है कि सिंपल नाम से हो सकती है, 100% डाउट है क्योंकि जो है अक्सर मिल जाती है। कई बार होता है मिल जाती है। रुको मैं क्या करता हूँ, GREP
इधर भी डाल देता हूँ ताकि जब भी वो सिंपल नाम से आएगा ना तो हो जाएगा, क्योंकि वो डाउट के नाम पे भी क्लियर नहीं कर रहा है अभी, एरर से ज़्यादा आ रहे हैं। हमारी ये वाली वर्ड लिस्ट काम नहीं कर रही और साथ ही साथ ये दिक्कत भी आ रही है एक्चुअली। तो हमारी जो वर्ड लिस्ट है उसको मैं कॉमन वाले से कर लेता हूँ, डर्बी। एक मिनट, ये कभी कभी ना कॉमन वाली चल जाती है, रुको, COMMON कॉमन, कभी कभी कॉमन वाली चल जाती है, इट हैपन समटाइम्स। क्या कह रहे हैं, कैन नॉट डेडलाइन एक्सीडेड, वेट अ मिनट, अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो क्या होता है, ठीक है ना सर? सो देखो भाई, ये तीन मिलते ही हैं, HTA, HTA Access और HTPassword नाम से भी मिलता ही है अक्सर। इतने फैटल एलर बाय गॉड कभी नहीं आए किसी भी उसमें जितने इसमें आ रहे हैं, मतलब एरर ज़्यादा है और बाकी चीज़ें कम हैं। तो देखो ये भी दिखा रहा है सिंपल नाम से एक है भाई, कम से कम इतना मिला। तो देखो भाई, हमने पहले ही गैस कर लिया था, तो मेरे पास ही आ गया, मैं सिंपल सर्च करके यहाँ पे आ चुका हूँ। सो वी आर ऑन CMS मेड सिंपल नाम की कोई साइट, शायद कुछ तो करती होगी ये। ओके, सो अब अपन इसके ऊपर एक्सप्लॉइट सर्च करेंगे, पहले सर्च एक्सप्लॉइट CMS मेड सिंपल। तो देखो CMS मेड सिंपल जैसे मैंने सर्च करा इसके बहुत सारे एक्सप्लॉइट्स आ गए हैं। देखो ये वर्जन इस पर लिखा भी होगा, वर्जन 2.2.8, तो 2.2.7 वाले तक का तो है इसमें, अभी वाले वर्जन में कोई एरर ढंग का है नहीं जिसको हम इस्तेमाल कर सकें। तो मैं सर्च करता हूँ फिर से, एक मिनट को, क्या पता निकल आए, अभी तो कोई वो निकला नहीं। तो हम इसके अंदर एक टैग का इस्तेमाल करेंगे, फ्लैग का, हाइफन पी, और हमारे को जो एरर आ रहा था वो नहीं आएगा क्योंकि अभी हम इस पे एक और चीज़ ऐड करने वाले हैं। हमें लिखा है 2004 से 2021 वाला, और अगर मैं ध्यान से देखूं तो हमको पता चलता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ना एक हमारे पास है एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइट होने के लिए है कुछ। तो देखो भाई 2.2.10 वाला है अवेलेबल, SQL इंजेक्शन करके, ये रहा 46635। तो अब अपन इसको इस्तेमाल करेंगे 6635 नाम से, और जब मैं ये चीज़ करता हूँ तो देखो यहाँ पे एक लिंक दिया है इसने, इसको मैं करूँगा कॉपी लिंक एड्रेस, कॉपी लिंक करने के बाद पेस्ट एंड गो,
तो इसने अभी ये जो लिंक बना के दिया है अपन इसको इस्तेमाल करेंगे। ओ इस्तेमाल हो गया और ये यहाँ पे कुछ तो आ गया। सो इसका कोड है शायद ये CVE आ चुकी है हमारी 2019-2953। तो पेस्ट करो इसको यहाँ पे। वल्नरेबिलिटी हमारी SQL, सॉरी वल्नरेबिलिटी भी इसमें लिखी हुई होगी। वल्नरेबिलिटी है वल्नरेबिलिटी ऐप प्लेटफॉर्म PHP। और इसका और देखो इधर उधर छानो। यहाँ पे देखो कुछ तो लिखा ही होगा। और देखो हाँ ये रहा 2.2.10 का हमारा है SQLI, मतलब SQL इंजेक्शन। और SQL इंजेक्शन मैं बता दूँ जो अभी सीख रहे हैं नए नए, तो SQL इंजेक्शन वेबसाइट पे सबसे तगड़ा इफेक्ट डालता है, सबसे तगड़ा तगड़ा इम्पैक्ट डालता है। अगर किसी वेबसाइट में ये वल्नरेबिलिटी है दैट मीन्स वो इजीली हैक हो सकती है, मतलब पॉसिबल है कि वो इजीली क्रैक हो जाए। और यहाँ से हम बाद में करेंगे, अभी के लिए इसको इतना ही रखता हूँ मैं, आज के लिए इतना इनफ है। ओके इन सब को हम अंदर रखेंगे। सो गाइस आई होप मज़ा आया होगा लाइव में, थोड़े से सही रहे होंगे लाइव में। और कमेंट पढ़ रहा हूँ मैं, और कोई कमेंट करना हो किसी को तो कर दो, क्योंकि अब हम वैसे भी थोड़े देर में और क्विट कर रहे हैं। शट डाउन कर रहा हूँ मशीन को, उस मशीन को तो हम शट डाउन कर देंगे। ओहो और अभी के अभी ऐड हुए हैं दो लोग और एक्स्ट्रा में, धन्यवाद फॉर ज्वाइनिंग द लाइव स्ट्रीम। या बहुत गलत टाइम पर ज्वाइन करा है भाई। अभी मैंने सोचा है काली लिनक्स क्विट करूंगा और अभी के अभी ज्वाइन करा है। हमेशा जो है गलत टाइम पर ज्वाइन करना, कोई बात नहीं अभी हम हैं फिर भी लाइव। सो हम अभी अपन क्या करने वाले हैं, अभी अपन वो जो मैंने बात कही थी, सुब्रोतो ने पूछी थी गेम डेवलपमेंट गेम बनी क्या, तो हम उस गेम पे थोड़ा बहुत काम कर लेंगे।
अभी गई शांति, काम ही नहीं कर रहा। हेलो, अभी गई शांति। तो अभी मैं जो है बग फिक्स कर रहा हूँ अपनी गेम में रेदर देन डेवलपिंग इट। ओके, तो देखो इसके अंदर एरर आ रहा है बार बार। एरर क्या आ रहा है कि मेरे को तीन तरीके के चाहिए, एक मीडियम होना चाहिए, एक स्मॉल होना चाहिए और एक सबसे बड़ा, वो टी है, मैंने टी डाल रखा है। तो वो सबसे जो बड़े वाला है वो ऐड नहीं कर रहा है इवन। अब हाँ, अब गई शांति, अब गई ना शांति, अब चली जानी चाहिए। हाँ, तो शांति नहीं हो उसलिए आए हैं। हाँ, सब देखो हेल्प में देखता हूँ मैं, कुछ मिलता है तो। बाकी देखो मैंने जो है ये ट्राई करा, इसके अंदर दिखा रहा है चूज दिस चूज दैट दिस एंड दैट। तो चूज वाली तो एक रैंडम वैल्यू वो हमारा शो करेगा, मतलब सेलेक्ट करेगा, जो कि नहीं होना चाहिए। रेफरेंस डेट एंड टाइम स्ट्रक्चर मैथ्स, अच्छा ये मैथ्स में आता है भाई। और रैंडम डॉट गेट रैंडम रेंज, आई रेंज क्या है, आई रेंज भी देखो इसके अंदर होगा। आई रैंडम रेंज N1 N2 होंगे, ये हो सकते हैं रैंडम रेंज, जिस रैंडम रेंजेस, रैंडम रेंजेस। चलो ठीक है, ये भी ठीक है, क्या ही ठीक है, कुछ नहीं ठीक है, कुछ ठीक चल नहीं रहा है इधर, रुको। स्प्राइट रिप्लेस, स्प्राइट सेव, स्प्राइट स्ट्रिप, स्प्राइट ऐड असाइन। स्प्राइट इंडेक्स क्या है, स्प्राइट इंडेक्स इसके अंदर होगा, आहा, ABCDEFGHI होता है। स्प्राइट इंडेक्स इधर शो नहीं कर रहा है। तो भाई कमेंट सेक्शन में बताओ अब ठीक चल रहा है सब, इज एवरीथिंग ओके नाउ। एस वर्ड टू सर्च, सॉरी स्प्राइट इंडेक्स, हाँ ओपी 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 रहे बस। तो जो मैंने प्रॉब्लम सॉल्व, ये स्प्राइट्स ऐड है, कॉलिजन है, तो हाँ पहले मैं गेम के बारे में बता दूँ। अभी अपन बग फिक्सेस कर रहे हैं, नहीं समझ सुना होगा किसी ने या फिर कोई अभी आया। ओके, सो अभी बग फिक्स करके फिर हम आगे बढ़ेंगे, इतने बग फिक्स नहीं हो जाता इतने हम आगे नहीं बढ़ने वाले। ओके, और अभी मैं ये देख रहा हूँ कि स्प्राइट में जो मेरा बग आ रहा है उसको किस तरीके से मैं फिक्स कर सकता हूँ। इसके अंदर ये इंडेक्स वैल्यूज है नहीं, और उसने मेरे से करवा रखा है। एडवांस यूज सोर्स कंट्रोल, सोर्स कंट्रोल नहीं है। यूजिंग गेम मेकर, इवेंट्स हो गया, ये हो गया, रूम्स हो गया, ऑब्जेक्शन एक्शन, रेफरेंस में बहुत ज़्यादा बड़ा है। हाँ इधर ही सर्च करना पड़ेगा, स्प्राइट इंडेक्स इन गेम मेकर स्टूडियो 2। अब ये बताएगा मेरे को, अच्छे से बताएगा। तो देखो स्प्राइट इंडेक्स इक्वल्स टू SPR स्पॉटेड कह रहा है, प्यूडीफायर। बढ़िया 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 बढ़िया, प्यूडीफायर रेड चल रहा हो।
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एस्ट्रॉइड स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट टॉलेस्ट। अरे यार चूज वाला मेरे में काम नहीं कर रहा। स्प्राइट इंडेक्स, स्प्राइट इंडेक्स का तो मैं समझ गया। चलो ठीक है ओके। मेरे फोन की बैटरी भी लो हो रही है, कोई बड़ी बात नहीं। चलो मैं पहले इसको जो है ना सबसे पहले देता हूँ स्प्राइट ह्यूज। ओके नाउ लेट्स रन इट। तो देखो तीन स्प्राइट ह्यूज आ गए। मारो मारो पकड़े। ये हमारा गेम का देख सकते हो तुम। ए, ए, ए। तो ये हमारी गेम होगी एस्ट्रॉइड। आहा मीडियम और एस्ट्रॉइड स्मॉलेस्ट। नाउ लेट्स सी डज इट वर्क्स और नॉट। अब एस टी दो दो हो गए। ये तो गलत बात हो गई है। चलो ये तो ठीक है, मतलब कम से कम विद अदर होना चाहिए। विद अदर इसके अंदर है ये रहा। विद अदर स्प्राइट इंडेक्स इक्वल्स टू एस्ट्रॉयड ह्यूज। जब हमारा एस्ट्रॉयड ह्यूज होगा तो वो मीडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हमारा इंस्टांस क्रिएट लेयर एस्ट्रॉयड स्मॉलेस्ट। एस्ट्रॉइड मीडियम और एस्ट्रॉइड मीडियम बनाकर इसमें भी डबल इक्वल्स टू लगा दो क्या, अगर ये एरर ना दे कंपाइलेशन एरर तो देगा पक्का देगा। क्योंकि देखो इसके अंदर हम मैंने क्या कर रखा है, पहले वाले में क्या रखा है बाकी के साथ मतलब सबके साथ ही ऐसा होगा कि अगर एस्ट्रॉइड ह्यूज है मतलब बड़े वाला है तो वो मीडियम में चला जाएगा और मीडियम वाला है तो चला जाएगा स्मॉलेस्ट। लेट्स मेक इट एल्स इफ टू इफ। लेट्स मेक एल्स इफ इनटू इफ। बूम। वैसे तो बड़े वाले ज़्यादा हैं तो अच्छा लग रहा है गेम में, बाकी काम तो हमें छोटे वाले पे भी करना है ना। एल्स इफ ही कर देते हैं। और दिक्कत बने साथ ये है कि मेरे को ज़्यादा कुछ आता नहीं है इसमें चेंज करना। ओके तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। डिलीट इवेंट करो इसको। अच्छा अब रन दोबारा करता हूँ। स्मॉलेस्ट वाला नहीं कर रहा, ये लास्ट वाला नहीं कर रहा है मतलब। अब मैं सोच रहा हूँ इसको एक लिस्ट में डाल देता हूँ। क्या ये लिस्ट में से कोई चूज कर सकता है? स्प्राइट इक्वल टू एस पी आर स्पॉटेड। स्प्राइट इंडेक्स इक्वल टू एस पी आर क्लियर। ऑब्जेक्ट चेक बला 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 बला। इंस्टांस प्रॉपर्टीज के अंदर है ये चीज। ओके 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 तो इमेज एंगल भी इसने कर रखा है चेंज। 359 कर रखा है, 360 कर दूँ। चलो 360 कर दूँ, कंप्लीट एंगल हो जाएगा। लेट्स सी व्हाट कंप्लीट एंगल मेक्स इट। कोई तो चेंज आएगा तभी ऐसा है। रुक रुक रुक, नाइट डिस्ट्रॉय हो गया है तो। तो भाई ये प्योरीफायर रेड स्पैम होते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ स्पैम करते रहो भाई, बिना स्पैमिंग के नहीं चलेगा। कुछ ना कुछ स्पैम करते ही रहो। हमारी स्पीड होगी 0.01 की F5। अच्छा ये बात है इसलिए इसकी
और अगर मैं इसकी 10 कर दूँ तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। लेट्स लीव इट टू 1। फ्री मूव के लिए कैसे करूँगा? देखो मेरे लिए भी थोड़ा सा नया है ये इंटरफेस, इस वजह से मेरे को भी हो सकता है कि ऑफकोर्स दिक्कत आ ही रही है थोड़ी बहुत, ठीक है। सो उस बात को दिल पे मत लेना, दिक्कत आना जायज है। नई चीज़ के साथ ऑफकोर्स यूज टू होने में टाइम लगता है, वही चीज़ मेरे को लग रही है। ओके ऐसा ही है, ड्रैग एंड ड्रॉप के अलग ही सिस्टम चल रहे हैं। इमेज एडिटर, ये रहा स्प्राइट एडिटर। रूम एडिटर, टाइल सेट्स, एक्सटेंशन एडिटर्स, प्लेटफॉर्म सेटिंग में क्या है, स्टीम और विंडोज़ है, इनकी ज़रूरत नहीं है अभी सेटअप करने की। इनकी प्लगइन्स, हमारे प्लगइन्स की भी ज़रूरत नहीं है अभी। सीक्वेंसेस, एस्ट्रॉइड्स, सो जब दो ही तरीके के आने हैं तो मैं क्या करता हूँ, एक्स वेर एस एज एज वेर एज दिस एज एज डॉट क्या क्या है, या तो एरर आएगा या चलेगा, एरर आएगा कोई नहीं, एक्सेप्टेबल है जी। एस्ट्रॉइड स्मॉलेस्ट वाले दिक्कत कर रहा अब, अगर मैं ये चूज़ कर दूँ, देखो अब एक और एरर आ जाएगा, अब एम नहीं आएगा, अब स्मॉल वाले ही आते रहेंगे। हे भगवान, दिक्कत क्या है कोड में, बग पता नहीं मेरे को, तो क्योंकि समझ नहीं आ रहा, थोड़ा कम समझ आ रहा है कहने का मतलब। मैं क्या करता हूँ, वैर रैन, ठीक है, वैर रैन और फिर स्प्राइट इंडेक्स इक्वल टू आर ए एन रैन, मूव रैफ राइट विड्थ स्लैश 2 एच ई आई जी एस टी हाइट कर दूँ तो अगर मैं रैंडम कर दूँ इसे भी तो अपने हिसाब से विड्थ और हाइट दोनों डिवाइड मल्टीप्लाई करता रहे, मतलब डिवाइड करता रहे। ये बुलेट का है,
एस्ट्रॉइड का ये है, और ये क्या है, ये हमारा एस्ट्रॉइड का है, ये भी एस्ट्रॉइड का है, ये अलग एस्ट्रॉइड का है, हाँ डेप्स का सही है, डेप्स का सही है, डेप्स का जो अपना अलग है। इसका अलग है भैया, अगर इंस्टांस डिस्ट्रॉय हो जाए, इंस्टांस इसी को माना गया हमारे ऑब्जेक्ट को, अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाए तो जो अलग दिखाएगा। मैंने गलती कहाँ करी है समझ नहीं आ रहा, क्या किया जाए। Else if true, सारी conditions जब हो जाएं, ठीक है, तब repeat to where Droid equals to instance create layer x comma y instances asteroid, लेट्स सी क्या होता है। हाँ तब जो है हमारा होगा न्यू एस्ट्रॉइड डॉट अनएक्सपेक्टेड एल्स इन एक्सप्रेशन, एक सेकेंड एक सेकेंड, ये इसका है, ये इसका है, ओ दिक्कत ये है, अब ठीक होगा सर। चल गया बस एक बार, ये सही है, ये सही है, जितना किल करोगे उतनी दिक्कत बढ़ती जाएगी खत्म होने की जगह। ये देखो मैंने क्या कर दिया गलती से, वो देखो ए ए, 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 ए इफ ट्रू डालने से ही हुआ है, कहने का मतलब दिक्कत और कहीं नहीं, यहाँ पर कहीं नहीं, ओके दिक्कत कहीं और नहीं, यही कहीं मतलब नहीं कहीं, आराम से प्यार से देखने में मिलेगी।
इसको 100 कर दूँ तो हमारे एक्सपेरिमेंट से चल रहे हैं भाई। ओ भाई सस्ते डेवलपमेंट पता चल रही है, 100 नहीं करेंगे इसको हम 10 करेंगे। ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा कौन सा है। सो गाइस जय माता दी, हमारे दिक्कत जहाँ भी हो रही है मेरे को समझ आ रही है, मतलब समझ कम आ रही है, कहने का मतलब ये है कि समझ कम आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फंसे हुए हैं अभी, कौन सी चीज़ कहाँ कैसे और क्या इस्तेमाल होनी है इसमें। ओके और स्पीड किसकी डाल रखी है ये किसका बुलेट का है, हमने इसमें कौन सा इंस्टेंस डाल रखा है, ऑब्जेक्ट बुलेट। अगर स्पेस प्रेस होगा तो हमारा बुलेट ऑब्जेक्ट कॉल होगा और हमारा जो इमेज एंगल होगा वो 0.05 ऐड हो जाएगा जस्ट अप की प्रेस करने से, और हमारा वी के लेफ्ट से इमेज एंगल +5 हो जाएगा, जैसे +5 एक से -5। अच्छा तो सुब्रत तो जय माता दी देख रहा है, मतलब कुछ नहीं टाइम पास के लिए लिखा था और कुछ नहीं, समझ आ नहीं रहा है इधर कैसे करूं क्या करूं तो फंसा पड़ा हूं, दिक्कत कहीं और है, पता कहीं और ही चल रही है, वो कुछ हो ही रहा है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो गया, मतलब ख़त्म हो गया सब, ठीक है ख़त्म हो गया बस ख़त्म। इमेज एंगल इंडेक्स, इंडेक्स वाले को अलग से खोलो भाई, इसको बंद करो इसको बंद करो इसको बंद करो। सो इमेज स्पीड इज इमेज इंडेक्स इज ग्रेटर देन इमेज नंबर -1 इंस्टेंस, एस्ट्रॉइड डेब्स बुलेट्स सपोर्ट कर रहा हूँ बस सपोर्ट ही चाहिए सपोर्ट ही चाहिए, कुछ नहीं आता होता जिसको उसको बस सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं अब देखो यहाँ पे मैं दिक्कत कर रहा हूँ, मेरा समझ नहीं आ रहा है, कोई समझा सकता है इधर, कोड लिखा हुआ है मैंने, ये समझ नहीं आ रहा मेरे को कि मैंने दिक्कत कहाँ कर रखी है। मैं सपोर्ट कर रहा हूँ बस, बस शाबाश सपोर्ट ही मतलब सपोर्ट क्लिक हियर टू स्टार ऑन टॉप बैल ऑनलाइन वर्क सिस्टम इधर, लगता है ऑनलाइन भी जाने वाला है। ये इंस्टेंस प्रॉपर्टीज में है, मास्क वेरिएबल डील विद द कोलाइजन मास्क, हैशटैग सपोर्ट ओपन इन द चैट
यस सपोर्ट हैशटैग सपोर्ट ओपी इन द चैट। अच्छा दोनों में ही खुल गया, शाबाश। ओ ये रहा छोटा सा इमेज इंडेक्स दिख नहीं रहा था हमको। अलार्म में क्या है? सेट एन अलार्म फॉर द इंस्टेंट। इट कैन शूट अ केबल चेक प्रेशर कैन शूट वॉल अलार्म जीरो रूम रूम स्पीड इंस्टेंट क्रिएट दिस ऑब्जेक्ट बुलेट। बुलेट वाले के लिए काम आता है ये। इंस्टेंस प्रॉपर्टी तो पढ़ ली, ऑब्जेक्ट फंक्शंस अलग अलग है। डिस्ट्रॉय एग्जिस्ट डीबग मोड पे ओपन करो। चलो हाँ भाई डीबगर कुछ दिखाएगा भी तो डीबगर है यहाँ पे और ये कुछ नहीं दिखाता है। ओके इसको स्टॉप करो, सीधा रन करो। चलो भाई आज के लिए यही है मेरा गेम, आज दिखाने के लिए यही है मेरे पास। जो मरा पड़ा है ह्यूज वाला। एक मिनट कौन कौन से फिर हाँ स्मॉलेस्ट वाला कर रहे हैं, कर रहे हैं शो। हाँ स्मॉलेस्ट और ह्यूज कर रहे हैं, दो ही तक कर रहा है ये, बस तीसरे वाला शो नहीं कर रहा है। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा ऐसा कुछ जिससे तीसरे को भी शो करे। पहले तो मेरे को जाना पड़ेगा चूज फंक्शन सर्च करने। कंट्रोल एफ जी हो गया तो कंट्रोल एफ ला 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 in the chat. Vector function non-vector इसी के अंदर आता है क्या? Choose इससे अच्छा कुछ चाहिए अपने को? Choose वाला function नकली है, हमें इससे कुछ अच्छा चाहिए। Uses randomized behavior. Above for will randomize the behavior. तो रैंडमाइज बिहेवियर कर रहा है रैंडमली उसको नहीं क्या मैं? अरे भाई इट्स नॉट वर्किंग रैंडमली मैन। मैं एक और ऐड कर देता हूँ। चलो रैंडमली मैंने इतने सारे ऑब्जेक्ट्स डाल दिए। ओके अब रैंडमली देखता हूँ मैं एक बार भी। अच्छा आ रहा है, चलो 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 कोड सही है, कोड सही है। अब इतने इसकी ज़रूरत नहीं है, तीन काफ़ी है। वो द ट्रू रैंडम अब वर्क कर रहा है। दो एस एक टी अरे
थे पिछले वाले को हटाओ, ये रैंडम फंक्शन भी है, रैंडम फंक्शन सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है यार, बोर हो रहे होगे मेरे को पता है, सॉरी फॉर मेकिंग यू बोर बोर्ड, कॉन्स्ट बना सकता हूँ, कॉन्स्टेंट कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, कंटिन्यू करंट सेकंड, वी से क्या हो सकता है, वी ए वेरिएबल ग्लोबल एग्जिस्ट गेट ग्लोबल वेयर, चलो ग्लोबल वेयर करते हैं, येलो बी एल कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है, क्या है, क्या सीन है, क्या सीन नहीं है, किसको आता है किसको नहीं आता, कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को, ताकि बेफालतू के सवाल पूछ के बेफालतू का टाइम करूं, खाली बैठने से तो अच्छा ही है क्योंकि देखो यार इसमें ये जो मैं चाह रहा हूँ ना ये कर नहीं रहा, वन ऑफ द गिवन आर्ग्यूमेंट रैंडमाइज कर देगा, ये समझ आ रहा है, ओके अगर इसके आगे आता है हमारा रैंडम वाला, आई रैंडम में क्या है, आई रैंडम में भी हमारा यही है, आई रैंडम यही है, रैंडम में क्या क्या ऐड हो सकता है, ओके अगर मैं इसको अलग करूँ तो रुको मैं इसको अलग करता हूँ, रैंक चूज की जगह इसको मैं पहले एक लिस्ट बना लेता हूँ, ओके आई होप ये बुरा ना माने, मेरा जो लॉजिक है लग जाए, आई होप ठीक है, इसके अंदर अपन क्या करेंगे, इसके अंदर रैंडम हमारा विद लेंथ, एल नाम से लेंथ नाम का कोई फंक्शन है, लेंथ एल ई लेंथ एक्स लेंथ वाई एन जी अरे नहीं कोई नहीं, हाँ इसके अंदर अपनी वैल्यू ये रैंडम चेक करेगा 3 तक, अब फिर भी कर रहा है, चलो अब करा है इसमें थोड़ा सा चेंज अब की बार करा है इसमें, जीरो से 3 तक रॉन्ग आर्गुमेंट, अच्छा इधर दो तक करूँ तो F5 1-2-1-2 में क्या आ रहा है, एक मिनट 0-1 ठीक है, सेकेंड और थर्ड वाला ही करेगा अभी, तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे जो है ये सेकेंड थर्ड दोनों इस्तेमाल करे, इसको मैं कर देता हूँ पहला तो 3 कंट्रोल सी कंट्रोल 3 बार ही करेगा सी, अब इसने मेरे को ही मार दिया, ये भाग 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 ए
रैंडम रैंडम में एक ही चीज बार बार सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या करें इसका। देखो पहले वाला सिर्फ रैंडम जीरो खेल पाएगा, दूसरे वाला दो में से, तीसरे वाला तीन में से, ठीक है। अब देखते हैं अब क्या आता है आउटपुट। खुले तरीके से बेइज्जती मारते हो। हे भगवान, स्कोर प्लस 100। ठीक है तो रैंडम नहीं कर रहा ढंग से, अपने को जो चाहिए वो नहीं कर रहा है। रैंडम रेंज क्या है, रैंडम रेंज कर सकते हैं। चलो जीरो से थ्री तक के बीच में, व्हाइट्स नॉट सिलेक्टिंग एनी अदर ऑप्शन ना, जबकि मेरे पास अदर ऑप्शंस हैं। कहीं ऐसा तो नहीं ये गलत लिख रखा है मैंने। तीन आवाज, मतलब मैं सही हूँ। ये देखो कैसे बटा होता है ना, मैं बताता हूँ। देखो पहला जो होता है ना उसको जीरो मानते हैं, दूसरे वाले को हम वन मानते हैं, और तीसरे वाले को एरे के अंदर लिस्ट के अंदर हम अपन तीन मानते हैं। ओके तो अगर लिस्ट, तो ये हमारी लिस्ट है और लिस्ट के अंदर तीन इंडेक्सेस हैं, 0, 1, 2। सो अगर रैंडम हमारा 0 हुआ तो पहले वाला सिलेक्ट होगा, 1 हुआ तो दूसरे वाला सिलेक्ट होगा, और 2 हुआ तो तीसरे वाला सिलेक्ट होगा, ठीक है। और 0, 2, 3 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जो है, क्योंकि रैंडम जो है अपना फंक्शन वो एक माइनस करके लेता है। जैसे कि इसमें देखो, इसमें भी लिखा है 500 to 600, तो ये 600 एग्जैक्ट 600 नहीं लेगा, 600 माइनस 1 लेगा, इस वजह से मैंने जो ऐसा कर रखा है। ओके तो देखो एक ये फंक्शन भी है रैंडमाइज, रैंडमाइज अलग है, रैंडमाइज अलग है। अब देखो कि वो ना चाहते हुए भी YouTube सर्च करना पड़ेगा क्या। YouTube सर्च अभी लाइव पे तो नहीं करूँगा, क्योंकि जो हो सकता है भाई सामने वाले मेरे ऊपर वो कर दें, ठोक देंगे, कहेंगे कि जो है क्यों इस्तेमाल करा, जबकि मैं अब कुछ कर भी नहीं रहा हूँ, फिर भी कहीं ठोक ना दें। DS लिस्ट क्या होती है, DS लिस्ट ऐड क्लियर एम्प्टी, DS लिस्ट क्या है भाई, DS लिस्ट अलग है। एडवांस यूज, बेसिक ही नहीं आ रहा, एडवांस कहाँ से करूँ मैं, बेसिक ही नहीं आ रहा है अभी, एडवांस तो बहुत दूर की बात है। स्ट्राइक यस ना आ जाए, इस वजह से मैं जो अभी YouTube का इस्तेमाल कर देने वाला, कोई बात नहीं, 4 घंटे ज़्यादा लग जाए पर मैं अपने आप से करूँगा, आई होप अपने आप से अच्छे से हो जाए। तो देखो पहले बात मैं ये मान के चलता हूँ कि जो है ना मैंने इतना कर दिया है कि जो है ये थोड़ा बहुत प्लेएबल तो है अभी। ओके और अपने को क्या करना है, कुछ नहीं करना, एक अलग रूम बनाना है, उसके अंदर इसका मेन मेन्यू बनेगा, मेन मेन्यू मतलब जो स्टार्टिंग में आता है वो वाला। ओके एक रूम बनेगा जो मेन मेन्यू आता है वो वाला, उसके अंदर अपने को अलग से वो बनाने पड़ेंगे उसके वेरिएबल्स और उसके कॉन्स्टेंट्स। ओके और ये रैंडमली सेलेक्ट करेगा इसको, देखो क्योंकि जो है जब मैं 3 से ज़्यादा कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ, तब इसका थोड़ा बहुत लॉजिकल ये कहीं ना कहीं फिर भी एक तरफा चला जाता है, नहीं तो लॉजिक की ऐसे की तैसी इसने मार रखी है। ओके इस वजह से देखो रैंडम मैच इतने सारे हैं, रैंडम आएंगे
आई रैंडम रेंज, आई रैंडम रेंज चल, आई रैंडम रेंज ट्राई करते हैं। चलो भाई आई रैंडम रेंज भी ट्राई कर लेते हैं, क्या पता कुछ ना कुछ तो दे देगा आउटपुट। अबॉर्ट, एरर दे दिया। रैंडम, ओके। इतने सारे हुए, एक के भी नहीं लगी, शर्म आनी चाहिए भाई इसको। देखो मैं अगर बहुत सारे ऐड कर देता हूँ, ये देखो देखो बहुत सारे कर दिया, अब इसमें आएंगे कुछ। मैं ही गिर गया, वो बात भी शक लग रहा है कि मैं ही मतलब हो गया डिस्ट्रॉय। Where number equals to this, number okay, so I random range करते हैं, देखते हैं I random range actually main function है किस चीज के लिए ये। So this is very useful function, only returns integers or whole numbers. So for example, so for example to get a random number from 0 to 9 you can use i random and it returns the number 0 to 9 inclusively. Real numbers can also be used, blah 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 blah. So blah 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 ho gaya, hi random istemal karta hu, ruko एरर दिखाएगा तो क्यों दिखा रहा है। तो क्लियर करो, अबॉर्ट करो, कुछ भी करो। आई रैंडम तीन, तीन नहीं सॉरी दो, तो क्या जीरो। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, इसने तो कर दिया काम कर दिया। तो मैं जो है आई रैंडम इस्तेमाल करके अगर देखता हूँ शायद कुछ हो जाए, जो मैं एरर चाह रहा था फिक्स करना काश वो हो जाए। फिक्स नहीं होगा ये, मतलब ध्यान रखती है।